प्रभात स्टूडेंट्स, जय हिंद ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, माई सेल्फ प्रीति मित्रा एंड दिस इज योर हिंदी क्लास। ओके, सो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि ये आपकी हिंदी की क्लास है ना, और देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था तो आपने कुछ चित्र देखे थे ना, सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स देखी थी, पेड़ की, ट्री की पिक्चर। कैसा कलर था उसका, कैसा ट्री का कैसा कलर था? ग्रीन। और किसकी पिक्चर देखी थी आपने? गर्ल की भी देखी थी पिक्चर, है ना, मोटी सी गर्ल की पिक्चर आपने देखी थी ना। एक आपने गर्ल की पिक्चर देखी थी, और भी आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी, है ना। माउंटेन की पिक्चर देखी थी, पहाड़ों की पिक्चर देखी थी ना, माउंटेन्स की पिक्चर्स। एंड आपने देखी थी वॉल की पिक्चर, दीवार की पिक्चर, है ना। और क्या देखा था आपने उसमें, बताइए मुझे। बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी, फ्लावर की पिक्चर देखी थी, देखिए ना, फ्लावर की, फूल की पिक्चर आपने देखी थी। तो आप मुझे ये बताइए कि उसमें माउंटेन कैसा था? यस, माउंटेन बहुत बड़ा था। और ट्री का रंग कैसा था? यस, ग्रीन कलर। ट्री का रंग था हरा, हरा रंग का ट्री था। माउंटेन बहुत बड़ा था। और वो जो गर्ल थी वो कैसी थी? वो गर्ल एक मोटी मोटी फैटी लड़की थी, है ना। एक जो गर्ल थी वो बहुत मोटी थी। एंड अब आप मुझे बताइए फ्लावर कैसा था देखने में? यस, बहुत सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो बच्चों, जो हमने अभी सुना, जो भी आपने देखा पिक्चर्स में, क्या था वो हमें बता रहे थे। उस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा था कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ थे वो ऊंचे थे, पेड़ों का रंग हरा था, फूल सुंदर है, लड़की मोटी है। तो ये सब उसकी क्या बता रहे थे, जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे और ह्यूमन बीइंग वो गर्ल थी, तो वो हमें क्या बता रहे थे, उसकी क्वालिटी बता रहे थे। क्या बता रहे थे? तो बच्चों, जो चीज़ हमें किसी की विशेषता बताते हैं, हम उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। लाइक दिस, दिस इज़ अ इरेजर। क्या है ये? इरेजर है ना। ये कैसी है साइज़ में? स्मॉल, छोटी है ना, इरेजर छोटा होता है ना। तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रही है कि इरेजर की विशेषता क्या है, कि ये छोटी है। दिस इज अ पेंसिल। कैसा कलर है इस पेंसिल का? येलो, वाइट एंड ब्लू। और ज़्यादा कलर क्या है इसमें? ब्लू। तो इसकी विशेषता क्या होगी कि ये पेंसिल ब्लू कलर की है, है ना। लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस बुक, दिस इज अ बुक। क्या है ये? ये एक बुक है। और अब आप ये देखिए कि ये बुक जो है ये कितनी मोटी है, है ना, मोटी है ना, बहुत मोटी बुक है। तो ये जो मोटाई है ये इस बुक की क्या बता रही है? ये इस बुक की विशेषता को बता रही है। तो बच्चों, विशेषण शब्दों में किसी भी थिंग और ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग, किसी का भी जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ओके, और विशेषता किस में हो सकती है? उसका कलर भी हो सकता है, उसका साइज भी हो सकता है, उसकी काउंटिंग भी हो सकती है। आई एम हैविंग टू थिंग्स, वन एंड टू। तो ये जो इसकी क्वांटिटी है ये भी हमारी विशेषता में आती है, ठीक है। नंबर, कलर, साइज, ये सब हमारा किस में आता है? विशेषता में आता है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज विशेषण फ्रॉम योर व्याकरण बुक, हिंदी व्याकरण बुक से आज आपका टॉपिक क्या है? विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक, पेंसिल एंड इरेजर, एंड टेक आउट पेज नंबर 40, टेक आउट पेज नंबर 40। एंड बच्चों, विशेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव।
क्या कहते हैं एडजेक्टिव, जैसा कि आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में पढ़ा होगा, और अगर ये अभी मैम ने नहीं कराया होगा तो आगे अभी आप पढ़ोगे। ओके, तो विशेषण को हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट, फर्स्टली यू राइट डाउन द डे एंड डेट। व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 27th of November 2020। एंड व्हाट इज द डे? टुडे इज फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। ओके, क्या है आज का दिन? शुक्रवार। नाउ लुक एट दिस, दिए गए चित्र में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से देखें। ठीक है, मोटा, लड़का, हरा, वृक्ष, शरारती, बंदर, तीन पुस्तकें, चार गुब्बारे, काला कौवा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कलर साइज है ना, मोटा है तो साइज हो गया, हरा रंग है तो कलर हो गया, शरारत यानी कि वो बहुत शरारती है, वो क्या कर रहा है, जो उसके ये उसकी विशेषता बता रहा है, काला गोरा अच्छा बुरा ये सब उसकी विशेषता है। बंदर की विशेषता क्या है? शरारत करना। ठीक है, पुस्तक तीन, गुब्बारे चार, कौआ काला, तो ये सब इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब जो इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, मोटा, हरा, शरारती, तीन, चार और काला, ये सब हमारे क्या है, ये सारे शब्द हमारे विशेषण शब्द हैं। ओके, लाइक मोटा, हरा, शरारती, तीन, चार और काला, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, ये सारे शब्द हमारे हैं विशेषता बताने वाले शब्द। ओके, नाउ लुक एट अगेन, आपने देखा ऊपर दिए गए चित्रों में सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। जैसे क्या बताया गया है? लड़का कैसा है? मोटा। वृक्ष कैसा है? हरा। बंदर कैसा है? शरारती। पुस्तकें कितनी हैं? तीन। गुब्बारे कितने हैं? चार। कौआ कैसा है? काला, है ना। तो ये यहाँ मोटा, हरा, शरारती, तीन, चार और काला शब्द लड़का, वृक्ष, बंदर, पुस्तकें, गुब्बारे और कोई की विशेषता बता रहे हैं। एक तो मैंने अभी आपको सब बताया जो बुक में लिखा हुआ है कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वह शब्द हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे इसमें मोटा, हरा, शरारती, तीन, चार और काला, ये सब हमें क्या बता रहे हैं, ये सारे शब्द हमें इन लोगों की, इन थिंग्स की, इन एनिमल्स की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ही ये हमारे विशेषण शब्द हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस परिभाषा, अंडरलाइन द परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। लर्न इट, सभी को ये जो परिभाषा है आप सब बच्चों को याद करनी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 41, लुक एट द फर्स्ट लाइन। यह भी जाने, विशेषण शब्द किसी भी वस्तु का रंग, संख्या, अच्छाई या बुराई तथा कैसी या कितनी बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? रंग बताते हैं, संख्या बताते हैं कितनी क्वांटिटी है, अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बताते हैं, वो कैसी है ये भी बताते हैं और कितनी है ये भी बताते हैं। ओके, आओ पाठ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों के में गुण, संख्या या नापतोल बताने वाले शब्द भी होते हैं। कुछ शब्द, कुछ आपको सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें किसी का गुण पता होगा, संख्या होगी या किसी की नापतोल हो रही होगी, किसी चीज़ की नापतोल हो रही होगी, तो वो शब्द भी हमारे क्या होंगे, वो भी हमारे विशेषण शब्द होंगे। लुक एट द बुक एक्सरसाइज, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। नीली कमीज में विशेषण शब्द है, नीली कमीज आपके पास लिखा हुआ है। अब इसमें ये आप बताइए कि इसमें विशेषण शब्द आपका कौन सा होगा। कमीज तो है इसमें संज्ञा और नीली हमारी क्या है, विशेषण, है ना। नाउ नेक्स्ट,
आम कच्चे हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? आम की विशेषता क्या है? कच्चा होना उसका। क्या है? आम का कच्चा होना उसकी विशेषता है। तो आम हो गया हमारा संज्ञा और कच्चे हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, मुझे एक गिलास दूध दो। इस वाक्य में विशेषण शब्द है, कौन सा है? मुझे एक गिलास दूध दो। दूध 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 की विशेषता क्या है? एक गिलास होना उसका। गिलास जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। और कितनी क्वांटिटी में वो दूध मांग रहा है? सिर्फ एक गिलास मांग रहा है। कितना? एक। तो एक होना क्या है? हमारा विशेषण। और गिलास क्या है? हमारा संज्ञा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 42। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर टोकरी में लिखें। किसमें लिखने हैं हमें? हमें इस टोकरी में लिखने हैं इनमें से विशेषण शब्द छांटकर। मुझे लाल रंग पसंद है। क्या पसंद है मुझे? लाल रंग। तो रंग की विशेषता क्या है? लाल होना। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में लाल। सेकंड है मोहन बहुत पतला है। तो मोहन का विशेषता क्या है? उसका पतला होना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कमल का फूल गुलाबी है। कमल के फूल की विशेषता क्या है? गुलाबी होना। थर्ड पे मैंने लिखा है गुलाबी। फोर्थ है हमारा मनीषा 7 साल की है। कितने साल की है मनीषा? मनीषा की विशेषता कौन बता रहा है? ये उसके 7 साल बता रहे हैं। तो 7 क्या है उसकी विशेषता हो गई। तो ये हो गया हमारा विशेषण शब्द। सेब मीठा है। सेब की विशेषता क्या है? मीठा होना। तो मीठा हमारा क्या होगा? विशेषण शब्द। ठीक, नाउ नेक्स्ट खाली स्थान में विशेषण शब्द भरिए। ठीक है, पहला है हमारा पत्ती का रंग है घना, हरा, कड़वा, वीर या मीठा। पत्ती का रंग कैसा होता है? घना होता है? नो, हरा होता है। यस, हरा। करेला होता है घना, कड़वा, वीर या मीठा। करेला कैसा होता है? कड़वा। नाउ नेक्स्ट है गन्ने का जूस होता है घना। घना होता है गन्ने का जूस? वीर होता है? नो, मीठा। कैसा होता है गन्ने का जूस? मीठा। पीते हैं ना हम गर्मियों में ठंडा ठंडा बर्फ लगवा के, है ना? राणा प्रताप थे जो राजा राणा प्रताप थे वो कैसे थे? घने थे या वीर थे? यस, वीर थे। वो बहुत वीर थे। नदी के पास जंगल था घना। कैसा था? घना। ओके, नाउ नेक्स्ट चित्रों को देखकर खाली स्थान में सही विशेषण शब्द भरें। देखिए जैसे पुस्तकें कितनी है? 1, 2, 3, 3 पुस्तकें हैं। 3 लड़की कैसी है? सुंदर। सुंदर है ना ये गर्ल? यस। आम कैसा है? आप इसे मीठा भी लिख सकते हैं, पीला भी लिख सकते हैं, पीला। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा विशेषण शब्द इनमें भरना चाहें। जरूरी नहीं है कि आपको मैम वाले ही भरने हैं। गुलाब लाल, वृक्ष हरा, कमीज हरी। कमीज का रंग कैसा है? हरा। ठीक है, ओके। अब यह है नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर खाली स्थान भरिए। जैसे इसमें है लाल गुलाब। लाल क्या है इसमें? जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनको छांटकर सही स्थान पर हमें लिखना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा हमारा संज्ञा है। लाल गुलाब, इसमें लाल क्या है? हमारा विशेषण। और गुलाब क्या है? हमारा संज्ञा। ठीक है, अलग अलग छांट रही हूँ मैं इन्हें। हरा तोता, तोते की विशेषता क्या है? हरा होना। यानी कि हरा हो गया विशेषण और तोता हो गया हमारा
संज्ञा। मोटा हाथी, हाथी की विशेषता क्या है? मोटा होना। तो यहाँ थर्ड पे मैंने लिखा मोटा और संज्ञा में मैंने लिख दिया हाथी। ओके, चार संतरे, नेक्स्ट है चार संतरे। तो संतरे कितने हैं हमारे पास? क्या है संतरों की विशेषता? चार होना। तो मैंने विशेषता में लिखा है चार और संज्ञा में लिखा है मैंने संतरे। ठीक है, एक अनार, अनार की विशेषता क्या है? उसका एक होना, एक है विशेषण और अनार है संज्ञा। सो स्टूडेंट्स, आज आपको आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू आर, यू ऑल आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट्स फॉर द विशेषण, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू आर फ्री फॉर कॉल। ओके, एंड टूडेज होमवर्क इज यू, ओके स्टूडेंट्स, सो टूडेज होमवर्क इज यू ऑल कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस ऑफ विशेषण। आप सीख, आपको ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये आपको कंप्लीट करनी है और आपको इनकी विशेषण की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल आप लोगों ने लर्न किया था जो मैम ने आपको वर्क दिया था लिंग वाला, क्या आप लोगों ने उस वर्क को लर्न कर लिया है? मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ, मैं रेंडमली आपका टेस्ट लूँगी, मैं किसी भी दिन, आपके पास मेरी एक वीडियो आएगी और उसमें लिखा होगा कि आपको अभी टेस्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड प्रैक्टिस डेली टू डेली। ओके, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है व्याकरण की, डेली लर्न करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।